3.5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही और वहाँ पर शिवराज सिंह के ऊपर विश्वास जताया भी गया और बाद में उस विश्वास को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया। जनता को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है इसमें कि जब वो सिलेंडर 450 का इलेक्शन बाद हो सकता है तो पहले से क्यों महंगा था? कांग्रेस के टाइम पे वो क्या 500 का ही था उस टाइम पे? और जिस तरह से बीजेपी का है कि बीजेपी चेहरा नहीं बनाती, हमेशा से एक रहता है कि मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे, तो एक प्लस फैक्टर भी है। अपोजिशन इसको माइनस मानता है, वो बोलते हैं ये चेहरा नहीं बताते। राहुल गांधी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और उनको वहाँ की नॉलेज भी हो गई है पहले से, जो मैं देखूँ, और जब से उन्होंने पदयात्रा की है तब से मैं सही में उनके अंदर इतना बड़ा चेंज देखा है मैंने, जो मैं पहले मैं भी उनको उसी कैटेगरी में लेता था कि इनको ज्ञान नहीं है, राजनीतिक मतलब गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण और मैं हूं हरीश असवाल। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, 17 तारीख यानी कि कल वोटिंग होनी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के समीकरण की हम बात करें तो ये समीकरण बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जहां एक तरफ ओपिनियन पोल से बता रहे हैं कि यहाँ कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जब जमीनी स्तर पर आप जाएंगे तो मोदी मोदी के नारे यहाँ लग रहे हैं। जी हाँ, जब रैली करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा मध्य प्रदेश जो है वो मोदी में हो गया है। हरीश जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भले ही ओपिनियन पोल कुछ भी कह रहा हो लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरे दाव पेच के साथ 1% चांस के साथ हार सकती है, 1% बस? देखिए काजोल, ऐसा है कि मध्य प्रदेश में स्थिति बार बार बदली है। पहले 1.5 साल पहले गवर्नमेंट कांग्रेस की रही, भ्रष्टाचार की बातें काफ़ी सामने आई। 3.5 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही और वहाँ पर शिवराज सिंह के ऊपर विश्वास जताया भी गया और बाद में उस विश्वास को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, पार्टी ने ही उनको दरकिनार कर दिया। जहाँ उन्होंने लाडली शब्द यूज़ किया तो अपोजिशन ने उस चीज़ को घेरा कि ये लाडली अब क्यों चुनाव के टाइम पे, पहले क्या वो लाडली नहीं थी? तो इस तरह की जब बातें हुई तो बीजेपी की कहीं ना कहीं डगमगाती भी नज़र आई। पर जब मैनिफेस्टो पढ़ते हैं उनका, मैनिफेस्टो के साथ अगर आप हमारा सर्वे देखेंगे तो 49% लोग बीजेपी के मैनिफेस्टो के साथ जाते हैं और 41% जो है कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। ये मैनिफेस्टो की कहानी है। अब मैं थोड़ा सा इसमें और जोड़ूं, जिस तरह से बीजेपी आज कह रही है कि हम 450 रुपये का सिलेंडर कर देंगे और कांग्रेस ने कहा हम 500 का कर देंगे, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं, मैं जनता को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है इसमें कि जब वो सिलेंडर 450 का इलेक्शन बाद हो सकता है तो पहले से क्यों महंगा था? कांग्रेस के टाइम पर वो क्या 500 का ही था उस टाइम पर? तो इस तरह की जब जुमलेबाजी और बातें होती हैं, बाद में बोला जाता है कि वो तो कहने भर मात्र था, तो किस चीज़ पे विश्वास किया जाए जनता को, ये समझ में नहीं आता। अब लड़कियों के लिए 21 साल की बात की गई, 21 साल के होने पर उनको 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अब ये भी बात अभी कोई पक्की तो है नहीं, ये सिर्फ मैनिफेस्टो में एक तरह से कहा गया है कि भाई इसी तरह कांग्रेस ने फिर ऊपर से बोल दिया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं के लिए प्रति माह 1500 रुपये की व्यवस्था करेंगे, है ना, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, जो उन्होंने पहले भी कहा था। और उन्होंने ये वादा मध्य प्रदेश में ही किया था जहां उन्होंने कहा था कि 10 दिन में जब हम पहला बोर्ड मीटिंग बैठेगी हमारी, तो पहले बोर्ड मीटिंग में हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, जो 1.5 साल तक उन्होंने नहीं किया। तो 1.5 साल तक नहीं कि किसानों को ये याद भी है, अच्छे से याद है कि जहाँ पर उन्होंने ये कर्ज माफ़ी की बात की थी और कुछ नहीं हुआ। आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एकदम उलटफेर सा नज़र आया। इलेक्शन से पहले हमें भी लगा था कि किस तरह कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आ रही है, पर अब फंस गया कांटे की टक्कर पे। अचानक से मोदी की रैली होने के बाद लोगों का परिवर्तन दिखाई दिया, जनसैलाब एक तरह से मोदी के साथ दिखाई दिया, मैनिफेस्टो भी मोदी के पक्ष में ही जाता हुआ नज़र आया कि लोगों को पसंद आया मैनिफेस्टो। और जिस तरह से बीजेपी का है कि बीजेपी चेहरा नहीं बनाती, हमेशा से एक रहता है कि मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे, तो एक प्लस फैक्टर भी है। अपोजिशन इसको माइनस मानता है, वो बोलते हैं ये चेहरा नहीं बताते और एक ही नाम पे ये वो इलेक्शन लड़ा, हारते हैं तो ये ठीकरा किसी ना किसी और के सर पे फोड़ देते हैं। पर फिर भी मध्य प्रदेश में उलटफेर नज़र आ रहा है। अब मैं अगर थोड़े से बात करूं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में 2003 की बात करें सबसे पहले, तो बीजेपी 173 सीट थी वहाँ पर 230 में से, और कांग्रेस की 38 सीटें थी, मतलब सुपड़ा साफ हुआ था कांग्रेस का 2003 की अगर हम बात करें।
2008 में 165 और कांग्रेस 58, कांग्रेस ने थोड़ा सा बढ़त ली थी और 20 सीटों का इजाफा कांग्रेस को हुआ था। फिर उसके बाद 2013 की बात करें तो बीजेपी 143 और कांग्रेस 71, मतलब एक तरह से बीजेपी का राज रहा है मध्य प्रदेश में। तो पिछले 2018 में जाके कुछ डगमगाए थे, तो यानी कहा जा सकता है ना कि बीजेपी ने जो जड़ मजबूत की थी उस जड़ को कुरेदने का काम धीरे धीरे कांग्रेस ने किया है मध्य प्रदेश। बिल्कुल, उन्होंने मेहनत की है, मैं कुरेदना क्या, उन्होंने मेहनत की है और ग्राउंड लेवल पर उन्होंने मेहनत की है, तो इसलिए उनको 2018 में परिणाम भी मिला जहां बीजेपी की 109 और कांग्रेस की 114 सीटें, तो उनको शायद एक का समर्थन भी था उसमें, तो उनकी सरकार बन गई थी। पर ज्योतिराज सिंधिया ने ये सपना इनका 1.5 साल में जाके ख़राब कर दिया, 20 विधायकों के साथ पार्टी तोड़ दी थी जिसमें बीजेपी ने वापस सरकार बना ली थी। अब इस बारी ज्योतिराज सिंधिया की पोजीशन भी बड़ी ख़राब बताई गई। ज्योतिराज सिंधिया को ये बोला गया कि जिस सम्मान के लिए वो बीजेपी ज्वाइन की थी वो उनको सम्मान नहीं मिला, और जो कांग्रेस में उनकी भूमिका थी वो भूमिका में वो यहाँ पर नज़र भी नहीं आए। उनकी मंशा थी कि मैं यहाँ पर आके मुख्यमंत्री का चेहरा बनूँ और मैं इसी, मतलब उनका अंदरूनी, मतलब एक तरह से बोला जाता है कि चुप्पी में उनकी बातें नज़र आती हैं कि उनकी इच्छा कहीं ना कहीं पे मतलब मुख्यमंत्री बनने की। आक्रामक वो थे, हाँ वो आक्रामक नज़र नहीं आए, पर सुनने में ये आया है कि अभी जो सूत्रों के हवाले से जहाँ पर उन्होंने कहा है कि मोदी से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि पहले मैं 20 विधायक लेके आया था, अब मैं 20 विधायकों की सीट जिता के दिखाऊंगा और वहाँ से मैं सरकार बना के दिखाऊंगा और सरकार में पूरा मेरा सहयोग रहेगा कि हम बीजेपी की गवर्नमेंट बनाए, तो ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। मैनिफेस्टो का जिक्र आप कर रहे थे, अगर मैनिफेस्टो की हम बात करें तो जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं तो जो सर्वे निकल कर आता है वो ये है कि 49% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के मैनिफेस्टो को पसंद कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो 50% से ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जो कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पसंद कर रहे हैं। यानी भले ही दोनों पार्टियां कुछ भी कह ले, लेकिन ये जो चुनाव होने वाला है वो बहुत एकदम जैसे मैच होता है ना कांटे के टक्कर का, जैसे कल इंडिया और किस तरह से न्यूजीलैंड का कांटे का टक्कर एंड मोमेंट तक हो गया था कि चलो अब कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन यही ऐसा ही मैच जो है हमें चुनाव में देखने के लिए मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में, ये समीकरण बता रहे हैं। देखिए अगर दिग्गज नेताओं की मैं बात करूं तो 10 साल तक यहां दिग्विजय सिंह सीएम रहे हैं लेकिन इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। 18 साल से प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान यहीं की बुधनी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते भी आए हैं। चंबल की अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उतारा है, बड़ा चेहरा है। ग्वालियर के राजा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे यही इसी विधानसभा सीट से आते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब सोचिए कि यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा सीट से आते हैं, तो अंतर दिख रहा है जी, इसका जिक्र आप कर रहे थे। बिल्कुल अंतर दिख रहा है। मैं बोलूँ नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर जो आजकल वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है उनकी, इसका भी फ़र्क आएगा, ऐसा नहीं है कि उसका फ़र्क नहीं आएगा। अगर आप मतलब जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के वीडियो ऑडियो वायरल अभी इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं, इसी तरह से इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है वोटर्स के ऊपर। पर आपने मैच का जिक्र करा, जिस तरह से कल शामी ने शाम बदल दी थी उसी तरह से नरेंद्र मोदी के जो रैली हुई उसने भी, नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको एक मोदी में वातावरण नजर आया। जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं चोट करने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और जो कि बहुत बड़ी बात है। देखिए अगर महाकौशल सीट की मैं बात करूं तो कमलनाथ जिन्होंने सत्ता पर काबिज हुए लेकिन ज्यादा देर शायद वो सत्ता संभाल नहीं पाए या फिर वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि सत्ता से बेदखल हो गए। पराग पटेल बीजेपी ने यहाँ उन्हें सीएम फेस माना है। प्रहलाद पटेल जो है अगर यहाँ से बीजेपी जीतती है तो वो सीएम चेहरा हो सकते हैं, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया जाएगा, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी जिस तरह से वीडियो सामने आए थे आदिवासी को लेकर, उस पर जिस तरह से जो वीडियो सामने आया था कि उसको प्रताड़ित किया गया, बीजेपी नेता ही थे वो, उसके बाद जो एक्शन था बुलडोजर का वो सारी चीजें देखी हमने और फिर वो बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, ये कहीं ना कहीं बैकफुट पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, एमपी में देखो जैसे आपने बताया कि आदिवासी सीट में एसटी सीट्स के ऊपर 47 सीटें वहाँ पर हैं और बड़ी डिसाइडिंग सीट होती हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊँ कि 2008 में बीजेपी के पास 29 सीटें थी
कांग्रेस 17 थी, जहां 2013 में 31 सीटें बीजेपी के पास थी और कांग्रेस के पास मात्र 15 सीटें थी। और उसके बाद 2018 में बिल्कुल उल्टा हो गया, 2018 में बीजेपी के पास 16 आ गई और कांग्रेस के पास 30 चली गई। तो अब यहीं आप यहां देखिएगा कि अगर ये सीटें वापस उलटफेर हो जाता है किसी तरह से, बीजेपी के पास 30 और कांग्रेस के पास 16, तो सरकार बीजेपी की बनती है, बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी। और मैं फिर बताऊं कि आपको एमपी में वही जो पिछली बार 2018 में हुआ था वही इस बारी भी दिखाई देगा, 2-4 सीटों का ही अंतर में सरकारों में बिल्कुल कांटे की टक्कर रहेगी और किसकी सरकार बनेगी, मतलब जो अन्य होंगे, अन्य बड़े डिसाइडिंग उसमें होंगे। कैलाश विजयवर्गीय, इनका नाम भी रेस में है, बीजेपी के महामंत्री हैं और यहाँ से इंदौर के 8 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके बेटे जो हैं आकाश, यहाँ इंदौर 3 से मौजूदा विधायक हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। कांग्रेस से सज्जन सिंह वर्मा और जीतू पटवारी जैसे वरिष्ठ नेता इस क्षेत्र से आते हैं, यानी कि यहाँ भी मालवा सीट, ये बड़ी सीटों का मैं जिक्र कर रही हूँ जहाँ पर जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आता है। निमाड़ की मैं बात कर लूँ तो कहा ही जाता है कि मालवा के साथ जो निमाड़ सीट जीतता है उसका राज तिलक हो जाता है। देखिए मालवा से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय, अगर निमाड़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी ने बड़ा चेहरा उतारा है और वो है कुंवर विजय शाह। तो अगर यहाँ पर इन दोनों की टक्कर होती है और ये समीकरण सही बैठते हैं तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हो सकती है। इधर अगर एमपी के ओपिनियन पोल की आप बात कर रहे थे कि कुल 230 सीटें हैं, बीजेपी ने 119 और कांग्रेस 107, यानी कि ज्यादा मार्जिन नहीं है। अन्य किसके साथ जाएगा ये डिसाइड करेगा कि बीजेपी में कौन, मतलब मैं बोलूं कि अन्यों की अभी से ही खोजबीन शुरू हो गई होगी। बिल्कुल मेरे को जो लगता है कि इसमें दोनों पार्टियां महारत हासिल है अन्यों को खोजने में। और बीजेपी को जिस चीज के लिए कहा जाता है कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति बहुत आसानी से कर सकती है, तो वो नजर आ रहा है। देखिए इन सीटों का जिक्र मैंने किया, जरा उसे भी एक बार समझ लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। महाकौशल 47 यहाँ से सीटें हैं, यहाँ पर 2018 का मैं जिक्र कर रही हूँ, बीजेपी ने 19 जीती थी, कांग्रेस ने 26, अन्य 2। और चंबल की मैं बात करूँ तो चंबल में 34 है, बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 19, अन्य ने 2। भोपाल में 24 है जिसमें बीजेपी ने 16, कांग्रेस ने 8। और बघेलखंड में 51 है जिसमें बीजेपी ने 29 और कांग्रेस 21, अन्य 1। मालवा में 46 है, बीजेपी 28, कांग्रेस 18, अन्य 0 है। इसके अलावा निमाड़ जिसका मैं जिक्र कर रही थी, यहाँ पर बीजेपी ने 12, ज्यादा अंतर नहीं है। अगर पूरे आंकड़ों को आप देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ही कम मार्जिन है और चांसेस। देखिए मैं अभी ओपिनियन पोल्स और ये जो सर्वे हो रहा है इससे कहा जा सकता है कि कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी, क्योंकि इंतजार करना होगा वोटिंग परसेंट का। वोटिंग परसेंट अगर कल अच्छा हुआ तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल, अगर वोटिंग परसेंटेज पिछली बारी का जो जितना भी था उससे अगर प्लस हुआ तो बीजेपी के पक्ष में जाएगा और बीजेपी इसमें सरकार बनाती हुई नजर आएगी। अगर वोटिंग परसेंटेज गिरा तो वहां पर लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे रोष भी है कि इन्होंने सरकार को पूरा चलने दिया, उनको पूरा एक तरह से अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया, खरीद फरीद की एक तरह से राजनीति का आरोप वहां पर जनता भी लगाती है। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जुबानी जंग सबसे ज्यादा चल रही है और मध्य प्रदेश के जो चुनाव है इसमें सबसे ज्यादा देखा गया है राहुल गांधी बहुत सक्रिय है, राजस्थान से ज्यादा वो मध्य प्रदेश में सक्रिय है। वजह हो सकती है कि 1.5 साल जब सरकार चलाई तो कैसे सरकार गिराई, उसका गुणा गणित खोजने की कोशिश। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है, ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी वहां जितना भी चुनाव प्रचार कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अगर वोट पड़ता है तो बीजेपी की जीत पक्की है। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी, मैं बोलूंगा राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं रहे जो पहले, जिनको आप किसी भी नाम से संबोधित करते थे, अब राहुल गांधी एक अच्छे और राजनीतिक अच्छे बन गए हैं, जिनको मतलब बोलेंगे कि गुणा गणित तो उनको आने लगी है, तो अब उनको हल्के में लेने की गलती तो बीजेपी बिल्कुल ना करे। और मोदी फैक्टर को अगर आप सोचते हो कि मोदी फैक्टर ही चलेगा तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, राजस्थान से ज़्यादा उनका ध्यान एमपी में है ये पक्का है, क्योंकि राजस्थान में मैं बिल्कुल अभी से बोल सकता हूँ कि क्लियर कट बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर हुई है राजस्थान के अंदर। आपके आरोप बहुत हैं कांग्रेस के ऊपर, वहाँ पर भ्रष्टाचार के बहुत आरोप हैं। इसी तरह से 1.5 साल में एमपी में जब इनकी सरकार है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी जो 1.5 साल का जिक्र कर रही है वो अपने 1.5 साल के पॉजिटिव का जिक्र कर रहे हैं, पर
हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते, जहां मूर्खों का सरदार और इस तरह के, जहां राहुल गांधी ने बड़े शालीनता से ही बात बोला कि प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं, किस लिए, उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं इस्तेमाल किया। जिस तरह से मूर्खों का सरदार प्रधानमंत्री जी ने बोला, उस तरह से उन्होंने पिछली बार के इलेक्शन में आपने देखा था कि चौकीदार चोर है, ये सब का शब्दों का इस्तेमाल किया था, और इस बारी वो बिल्कुल साइलेंटली और बहुत ही बोलते हैं ना कि प्यार की दुकान और किस तरह मोहब्बत की दुकान, हाँ मोहब्बत की दुकान, तो इस बारी वो वाक्य में उनकी बोली भाषा में वो मोहब्बत की दुकान वाले अल्फाज भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जा रहे हैं, वहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी फोकस कर रही है छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा, हमने देखा, और मध्य प्रदेश पर राहुल गांधी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा तो डर है कि बीजेपी को हराना है तो हमें जागना पड़ेगा, और यही वजह है कि राहुल गांधी वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं। कांटे की टक्कर देखिए, राजस्थान में आप जैसा बता रहे हैं, ओपिनियन पोल्स भी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर इस बार जो है बीजेपी की सरकार, गहलोत साहब टाटा बाय बाय होने वाले हैं, और अभी खैर सीएम जो बीजेपी का तय नहीं हो पाया है, वसुंधरा राजे रेस में, लेकिन और भी बहुत सारे चेहरे हैं जो रेस में। नहीं, वसुंधरा राजे देखो, वहाँ पर राजस्थान में वसुंधरा राजे फैक्टर बहुत बड़ा है, वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में दोनों में उनका योगदान बहुत अच्छे से लोग समझते हैं। पर अभी चलो हम एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी में हम बात करें तो एमपी में राहुल गांधी का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और उनको वहाँ की नॉलेज भी हो गई है पहले से, जो मैं देखूँगा, और जब से उन्होंने पदयात्रा की है तब से मैं सही में उनके अंदर इतना बड़ा चेंज देखा है मैंने, जो मैं पहले भी उनको उसी कैटेगरी में लेता था कि इनको ज्ञान नहीं है, राजनीतिक मतलब गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हैं, इनको राजनीति के बारे में नहीं, बस ये है कि अभिनेता का बेटा अभिनेता बनता है, राजनेता का बेटा राजनीति करता है, ये सब थे। पर इस बारी मुझे फ़र्क नज़र आया, और कहीं ना कहीं वो फ़र्क दिखाई भी देगा जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। तो अब मेन चीज़ आ जाती है कि इसके अंदर आजकल गठबंधन की बात नहीं हो रही है, गठबंधन में कहीं ना कहीं पर खटास भी नज़र आई है, तो वो इफ़ेक्ट भी लोगों के अंदर डाला जाएगा, और बीजेपी इस चीज़ को बहुत अच्छे से डालना जानती है कि देखिए ये वो लोग हैं जहां ये मूर्खों के सरदार, किसको कहा है, और राहुल गांधी ने अपने ऊपर लिया है, पर मूर्खों के सरदार में कई लोगों को मूर्खों का सरदार कहा गया है उसमें, जहां महिलाओं को लेके इस तरह की टिप्पणी हुई बिहार के अंदर, और कांग्रेस ने उस चीज़ को समर्थन किया, आरजेडी ने उस चीज़ को समर्थन किया, जो आरजेडी वाले को पहले तक बोलते थे कि चाचा तो कुछ भी बोल जाते हैं, अपने सेंस में नहीं रहते हैं, आज उन्होंने इस बात को समर्थन किया, तो कहीं ना कहीं पर राजनीति के लिए कितने कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग कर जाते हैं, और लोगों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके कॉम्प्रोमाइज़ करने से कुछ नहीं होता है, कॉम्प्रोमाइज आप मत कीजिए, है ना, और इनको करने दीजिए। कहा जा सकता है कि कल का इंतजार है, मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर इलेक्शन जो है वो हो रहा है, कल वोटिंग होनी है, वोटिंग डे है, सुबह से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो वोटिंग परसेंट हमें शाम तक बता देगा कि आखिर मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले देखिए, वोट देना आपका अधिकार है, तो वोट जरूर दीजिए, जो भी नए वोटर्स हैं वो समझने की कोशिश करिए, आप युवा हैं और युवा वोट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही तय करता है किसी भी प्रदेश का विकास कैसा होगा, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल वोट देने जरूर जाइए, युवाओं को खासकर छुट्टी ना मनाएं, और वोट देने से आपका एक अच्छी सरकार आएगी, और इस उसमें ना रहे कि हमारे वोट देने से क्या फ़र्क पड़ता है, हर एक वोट से फ़र्क पड़ता है, आपको दिखेगा इस बारी चुनाव में, हर एक वोट डिसाइडिंग होगा किसकी सरकार बनेगी, और अच्छी सरकार चुने, अपना भविष्य चुने। और तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।